हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। हमने देखा कि सिंपल हमने बताया कि क्लोरोफिल ए एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। जब इस पर सनलाइट पड़ेगी तो इसकी पिगमेंट्स जो एसेसरी पिगमेंट हैं दे गेट एक्टिवेटेड एंड फाइनली दे ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और ये पूरा ETS एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन पाथवे से होते हुए P700 पे चले गए थे, वापस दूसरे सेंटर पे चले गए थे, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन कहा था। साइक्लिक फॉस्फोरेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पर आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है यानी ये रिएक्शन सेंटर है, इनके पास आपके एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑल आर एसेसरी पिगमेंट, दे गेट एक्टिवेटेड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। जब सनलाइट इस पर गिरेगी तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और सारे पिगमेंट्स जो है एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र करेंगे क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए जब एक्साइटेड होगा देन इट रिलीजेस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय PEA देन पैराडॉक्सिन। FDC स्टैंड फॉर पैराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन के बाद प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये वापस P700 पे चले जाते हैं। सो इन दिस पाथवे, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जब नॉन साइक्लिक पाथवे हो रहा था तो यही फेराडॉक्सिन के पास ही यहाँ पे NADPH2 प्रेजेंट था, बट क्योंकि हाइड्रोजन आयन आपके जब लाइट रिएक्शन में बन रहे हैं सो NADPH फॉर्मेशन जो है वो आपका लाइट साइक्लिक नॉन साइक्लिक पाथवे में होता है। यहाँ पर आप अपने साइक्लिक पाथवे क्यों कहेंगे इसे, व्हाट इज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में सिंपली क्या होता है, फॉस्फेट प्रिपेयर्ड होता है। साइक्लिक वाई बिकॉज यहाँ से रिएक्शन सेंटर से P700 से रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकले और ये ETS से होते हुए वापस P700 पे चले आए, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वापस इसी जगह पे चले आएंगे, दैट्स व्हाट इज नोन एज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर भी जब फेराडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन में ट्रांसफर होता है देन इसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होगा, और जब प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम से होते हुए साइटोक्रोम जो आपका होगा प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन में ट्रांसफ़र करेगा, एट दैट टाइम यहाँ पर भी आपका ATP का फॉर्मेशन होता है। सो इन द केस ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन व्हाई इट इज़ नेम सो, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और ये इस सेंटर से निकले और इस सेंटर से रिलीज होते हुए ये वापस दूसरे सेंटर पर चले गए, इसलिए इसको हमने नॉन साइक्लिक पाथवे कहा। यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले और ये पाथवे ATS से होते हुए वापस अपने रिएक्शन सेंटर पर आ गए, इसलिए इसको हमने इसको साइक्लिक पाथवे कहा। प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट में हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो रहा है और NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। बट इन केस ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन NADPH फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ओनली ATP फॉर्मेशन अकर्स, केवल ATP का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये आपका सिंपली साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्लियर हो गया। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन केसेज हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और ये दूसरे सेंटर पर पहुँचे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी को फुल करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन हुआ और जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इट इज़ टेकन अप बाय क्लोरोफिल ए सो दैट इट गेट सैचुरेटेड स्टेज। ये बात वे था। इसके बाद यहाँ से जब फोटोसिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव किया, देन फेराडॉक्सिन, देन आपका अगेन वही प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से अगेन आपका फोटोसिस्टम वन में पहुंच जाते हैं। तो फोटोसिस्टम वन में अगेन आने की वजह से ये आपका एक साइकिल बन जाती है, दैट इज़ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे ये जेड स्कीम बनती है, दैट इज़ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो लेकिन वाटर का जो ब्रेकडाउन है, वाटर के ब्रेकडाउन में हाइड्रोजन जो एक्सेप्ट यहाँ फेराडॉक्सिन के पास जब होता है यहाँ पर ही आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आपके NADPH2 फॉर्मेशन में हेल्प करता है। HIN का फॉर्मेशन लाइट रिएक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन्स लाइट रिएक्शन में एलिमिनेट होते हैं, ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में ब्रेक होती है। यानी इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, ATP, ऑक्सीजन एंड NADPH2, एंड इन केस ऑफ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन ओनली ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस यहाँ पर भी, और FADCH जो निकलता है तो यहाँ पर भी ATP फॉर्मेशन होता है। NADPH फॉर्मेशन को हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में काउंट करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी।
वो विच इज़ सिंपली जहाँ पर जो भी आपका एटीपी जेनेसिस हो रहे हैं यानी एटीपी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉर्मेशन का प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता है. तो दैट प्रोसेस दैट एटीपी फॉर्मेशन अकर्स और एक्सप्लेन बाय कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी इन विच एटीपी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. टिल देन रिवाइज दिस प्रॉपरली एंड complete your notes, and if you have any problem, then you can ask me. Thank you, class.